नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है स्टेगनोग्राफी कंपटीशन एग्जामिनेशन 2011 के सॉल्ट पेपर्स का, जिसको आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। और इस वीडियो को कंप्लीट तक देखें, क्योंकि यदि आप एलडीसी का भी दे रहे हैं या आरएएस का पेपर दे रहे हैं, तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन तो इसी लेवल के ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना में 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। निम्न में से कौन से उनमें से नहीं है, नहीं वो मिशन नहीं है। ये 2011 की बात है, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये अभी भी रिलेवेंट है, तो वो बताना है उनमें से कौन सा वो जो प्लान है नहीं है इंक्लूडेड। तो इसमें जो नाभि के मुक्त विश्व, ये कैसे इंक्लूड हो सकता है, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, ये अपने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूड नहीं है। बाकी सोलर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर इंक्लूड किए गए थे। सेकेंड क्वेश्चन, राजस्थान के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये 2011 की बात है कि 2011 के अंदर बीडी कल्ला जी थे, तो ये सेकंड का आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन अभी 2018 की बात करें, 2018 के अंदर जो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ज्योति किरण। अगला सवाल है कि ये मैच करने हैं, महिलाएँ दे रखी हैं और महिला जो सरकारी अध्यक्ष रही हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो उनको मैच करना है। ये वैसे इसका आंसर बता देते हैं क्योंकि रिलीवेंट नहीं है, अभी सारे चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे वैसे ये दूसरा ऑप्शन है वो है कि लीबिया में, मैं ओल्ड नेम भी बता दूंगा न्यू नेम भी। तो सबसे पहले बात करें तो देखो, लीबिया की जो पहले जो लीडर थी वो थी एलन जॉन सरलेफ, अब ये हट चुकी हैं लीबिया की। अब हैं ये जॉर्गे वी, जो फोटो के अंदर देख रहे हो, ये अभी लीबिया के प्रेसिडेंट हैं। फिर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की पहले जो वुमेन जो प्रेसिडेंट थी वो थे क्रिस्टिना फर्नांडिस, जो ये दिख रहा है नाम डब्लू में, क्रिस्टिना फर्नांडिस। और अभी हैं मॉरिशियो मैक्री, इमेज के अंदर देख लो। थर्ड, थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड में जो पहले थे उनका नाम था यंगलुक शिनवात्रा, ये थे जो जेड पे नाम लिखा हुआ है, ये पहले प्रेसिडेंट, लेकिन अब प्रेसिडेंट है न्यू थारोंग बून सेंग पाइशन, ये इनका नाम है जो इमेज के अंदर देख सकते हो। फिर ब्राज़ील की जो पहले जो अभी जो हट गई जो वो थी दिल्मा रूसेफ, ये थी, लेकिन अब इनकी जगह मेल पर्सन आ गए हैं माइकल टिमर, जो इमेज में देख सकते हो। आगे चौथा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसमें पूछा है कि, तो इसमें ये जब 2011 में तब तो ममता शर्मा थी, लेकिन इस वक्त हैं डॉक्टर रेखा शर्मा, ये अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है कि 19 देशों के अलावा G20 देशों में कौन सा समूह भी एक सदस्य है, मतलब कौन सा एक जो 19 मेंबर प्लस एक जो यूनियन है वो भी मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन G20 के मेंबर है, EU। अगला सवाल है कि 26 नवंबर 2011 को नासा द्वारा मंगल ग्रह के लिए प्रक्षेपित रोवर स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था। तो उस समय उस स्पेसक्राफ्ट का नाम था क्यूरोसिटी। अगला सवाल कि राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, ये जो राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 थे, इसके अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएँ शामिल की गई है। तो 15 विभागों की कुल 108 सेवाएँ सम्मिलित की गई है। अगला सवाल है कि मुल्ला पेरियर बांध, ये राजस्थान में किस राज्य में स्थित है, ये बांध स्थित है केरल राज्य में, मुल्ला पेरियर बांध। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल, सिंगल पॉइंट ग्रीवेंस एड्रेस पोर्टल का नाम बताना है, इस पोर्टल का नाम है सुगम। अगला सवाल, नवंबर दिसंबर 2011 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क सम्मेलन का स्थान क्या था। तो वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये डर्बन के अंदर आयोजित हुआ था, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन दिसंबर 2011, ये डर्बन के अंदर आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। तो इस उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल जी शुक्ला। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं पास्कल लावी, ये उस समय थे 2011 में, अभी शायद प्लीज चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट। अगला सवाल है कि भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है। तो ये विस्तार है 3214 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे वाला एक्सटेंशन पूछा है।
तो ये 3,214 किलोमीटर है। अगला पूछा हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई, धौलागिरी जो पीक है हिमालय की उसकी ऊंचाई पूछे, उसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं। फिर 15 सुंदरवन जाने जाते हैं, सुंदरवन किस लिए जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं ज्वारीय वन टाइडल फॉरेस्ट के लिए। अगला सवाल इनमें से कौन सा राज्य भारत का अग्रिम चीनी उत्पादक है, मतलब लीडिंग शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट बताना है, जो जहाँ पे चीनी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो वह है उत्तर प्रदेश यूपी। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का समूह है लैटराइट मुद्रा रखती है, लैटराइट सॉइल पाई जाती है जिन स्टेट के अंदर, उन स्टेट्स का नाम बताना है, तो वो है केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, केरला कर्नाटका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक भारत में लो इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सेंटर नहीं है, नहीं है बताना है, तो ये मैंगलोर जो दे रखा है ये नहीं है जो सेकंड ऑप्शन में है, और भिलाई भद्रावती आसनसोल दे आर द आयरन स्टील इंडस्ट्री हब्स। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल है, तो केंद्रीय स्थल है ये कोलकाता हरोरी, ये वाला हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्रीय स्थल कोलकाता हरोरी। अगला सवाल है कि भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था ये 1973 के अंदर ये याद रखना वैसे टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगला सवाल है कि भारत का पश्चिमी तट के मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है, ये जाना जाता है मालाबार तट के रूप में, साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। अगला सवाल है कि इसमें से कौन सा एक तत्व भारतीय मानसून का नियंत्रक है, कंट्रोलिंग फैक्टर कहते हैं मानसून का, वो है जेट स्ट्रीम्स। अगला सवाल इनमें से कौन सा एक खनिज तेल शोधक केंद्र नहीं है, नॉट एन ऑयल रिफाइनरी सेंटर, तो वो कांडला तो ये एक पोर्ट है, बाकी सभी मथुरा हल्दिया और डिगबोय ये ऑयल रिफाइनरी सेंटर्स हैं। अगला सवाल है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर है। 25वां है कि इसमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च है, कि कौन सी पीक है जो अरावली की हाईएस्ट पीक का नाम बताना है, जो कि सिरोही जिले के अंदर है, उसका नाम है जरगा, ये सबसे हाईएस्ट पीक है अरावली की। अगला सवाल है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, साउदर्न ईस्टर्न जो ज्योग्राफिकल रीजन है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको अपन हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। राजस्थान के कुल वन का क्षेत्र कितना है, इसका कुल वन क्षेत्र है 32,488 किलोमीटर। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है, तो जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़, ये यहाँ पे जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़। इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र है, टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र बताना है, तो डेगाना में जो टंगस्टन है काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये उद्यान स्थित है भरतपुर के अंदर। फुलवाड़ी किनाल अभयारण्य किस जिले में स्थित है, फुलवाड़ी किनाल ये जो सेंचुरी है कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उदयपुर के अंदर, फुलवाड़ी किनाल। अगला सवाल है कि दक्षिण पूर्व राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है, कि साउदर्न ईस्टर्न रीजन में किस टाइप की सॉइल मिलती है, तो वहाँ पे मीडियम ब्लैक सॉइल, वैसे ब्लैक सॉइल मिलती है तो मीडियम ब्लैक सॉइल बोल दो, थर्ड इसका आंसर हो गया। इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है, तो वो है राजस्थान वानिक जैव विविधता परियोजना, राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, ये जापान की सहायता से चलाई जा रही है। किस जिले में सरिस्का बाघ परियोजना स्थित है, तो ये उस जिले का नाम है अलवर, सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट। फिर है कि राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है, भेड़ की नस्ल का नाम बताना है, तो वो है चोकला। अगला सवाल है कि राजस्थान भारत के किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एक अधिकार है, मोनोपोली है इनमें से कौन से स्टोन प्रोडक्शन के लिए राजस्थान की, तो वो है ग्रेनाइट, जिसको बोलते हैं तांबड़ा, सॉरी गार्नेट, ग्रेनाइट बोल रहा हूँ, गार्नेट जो है सिर्फ राजस्थान के अंदर ही पाया जाता है। फिर है कि चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो चना उत्पादन में भारत में इसका तीसरा स्थान है राजस्थान का। राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है वो गंगानगर जिले में।
राजस्थान के प्रथम चीनी मिल प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में प्रथम जो चीनी मिल प्रारंभ की गई थी वो भोला सागर में। फिर है कि इनमें से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है, तो वो टोंक को छोड़ के नहीं है, मतलब ये सेंटर नहीं है। बाकी भीलवाड़ा, किशनगढ़ और ब्यावर ये इम्पोर्टेंट सेंटर हैं, भीलवाड़ा, किशनगढ़ और ब्यावर। अगला सवाल है कि बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है, बिसलपुर सिंचाई योजना टोंक जिले में है। राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना, सबसे लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट का नाम पूछा है यहाँ पे, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है, ये HMT की फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो इसकी फैक्ट्री स्थित है अजमेर के अंदर। निम्न में से सही जोड़ा चुनिए, तो मतलब करेक्ट पेयर बताना इनमें से कौन सा है, तो नमदा ये टोंक में है, ये इसका आंसर करेक्ट है। अगला है कि राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, गैस आधारित विद्युत परियोजना ये स्थित है अनंता में अंदर, छाबड़ा के अंदर, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है छाबड़ा, और सूरतगढ़ में भी वही है थर्मल बेस्ड है, पलाना में लिग्नाइट बेस्ड है, तो जो गैस बेस्ड है वो अनंता के अंदर है। राजस्थान में सूखा संभाग जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, उसका वर्ष बताना है, वो था 1974-75 में, इस वर्ष ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है, राजस्थान में लिंग अनुपात है 926, ये होता है 1000 मेल के ऊपर 926 फीमेल्स हैं। फिर अगला है कि राजस्थान में इनमें से कौन सा जिला 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी है, तो जयपुर में है। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है, पंचायती राज को कब अपनाया था अपन ने, 2 अक्टूबर 1959। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान में सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए, इंडस वैली से के साइट, जो इंडस वैली के साइट के मिले हैं, तो वो उस स्थान का नाम बताना है, वो है कालीबंगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वो है उदयपुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से में मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, कि मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी, राव चंद्रसेन जी थे। ये रिपीट हो रहे हैं देखो बार बार क्वेश्चंस। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है, शाकंभरी के चौहानों के संबंध में गलत स्टेटमेंट बताना है, तो वह आरंभ में वे प्रतिहार के सामंत थे, बिल्कुल सही है, ये गुवक उनका प्रथम स्वतंत्रता शासक माना जाता है, नहीं ये गलत है, अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था, बिल्कुल सही है ये कथन, पृथ्वीराज थे इस वंश के महानतम शासकों में से एक थे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे दूसरा इसका आंसर हो जाएगा जो कि रॉन्ग है स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना था। फिर है कि महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है महाराणा कुंभा के विषय में, तो पहला है कि उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया था, बिल्कुल वह एक संगीत प्रेमी भी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में एक थे, वे स्वयं विद्वान नहीं थे किंतु विद्वानों से आश्रय दाता था, नहीं वह खुद एक बहुत अच्छे विद्वान थे, अच्छे राइटर थे और उन्हें संगीत का भी अच्छा खासा ज्ञान था, तो ये चौथा स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है, तो यहाँ ये फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे, बीकानेर स्टेट और मुगल्स के बीच में जो फर्स्ट ट्रीटी हुई थी उस रूलर का नाम बताना है, तो उन रूलर का नाम है कल्याणमल। फिर ये सूची दे रखी है और इनको सुमेलित करना है यहाँ पे, तो बूंदी, तो बूंदी के देव सिंह है ये, जोधपुर के मालदेव, जयपुर के ईश्वरी सिंह और रणथंभौर के गोविंद राज, तो यहाँ पे जो 1, 2, 3 कोड पहले जो कोड दिया है वही इसका आंसर है। अगला है कि ये युद्ध दे रखे हैं और किस सन में लड़े गए हैं, तो उनकी सूची बतानी है, तो खानवा का युद्ध ये लड़ा गया था 1761 के अंदर ही, नहीं सॉरी, खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 के अंदर,
और हल्दी घाटी का युद्ध जो मशहूर है वो ये लड़ा गया था 1576 में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 के अंदर। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये लड़ी गई थी 1976 के अंदर। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। फिर असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला कथन है कि राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी। हाँ बिल्कुल सही है। और इसका कारण दे रखें उन्होंने साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। आवश्यकता कहाँ थी, आवश्यकता थी लेकिन इसकी वजह से उन्होंने अधीनस्थ संधियाँ नहीं की थी। ए और दोनों सही है। ए आर ए की ठीक व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट कि उन्हें अधीनस्थ संधियाँ की थी क्योंकि उन्हें साम्राज्यवादी शक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता थी। चौथा आंसर हो गया। फिर है कि कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथी ने किस संस्था की स्थापना की थी, उस संस्था का नाम बताना है। तो यहाँ पे राजस्थान सेवा संघ भी है और कब एक से ज़्यादा है दे रखे हैं इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। फिर है कि निम्न में से कन्यावध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला राज्य था, कन्यावध के विरुद्ध उनका नाम, वो राज्य का नाम है कोटा या डिस्ट्रिक्ट जो थी, चाइल्ड गर्ल चाइल्ड की डेथ कर देते हैं, भ्रूण हत्या से संबंधित जो कानून वो कोटा बनाया गया था। निम्न में से प्रजा मंडलों का मुख्य उद्देश्य था, प्रजामंडल का क्या मुख्य उद्देश्य था, वो था कि नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, टू फाइट फॉर द पीपल्स राइट। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई थी, तो वो 1956 में पूर्ण हुई थी अजमेर मेरवाड़ा। फिर ये लिस्ट दे रखी है सूची और इनमें बताना है कि रंगमंच और उनके क्षेत्रों को सम्मिलित करके बताना है। तो रम्मत ये बीकानेर व जैसलमेर की है और तमाशा ये है जयपुर की, भवई ये जो भवई है वो गुजरात राज्य से सटे क्षेत्रों की है भवई, गौरी नृत्य ये मेवाड़ की है। तो यहाँ पे जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। 64th क्वेश्चन कि विष्णुई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं, वो जाम्बूजी की पूजा, उनके आराध्य देव जाम्बूजी हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अर्श कहाँ पे आयोजित किया जाता है, यह आयोजित अजमेर में किया जाता है अर्श। फिर है कि आभूषण के नाम दे रखे हैं और उनको कहाँ पे पहना जाता है, उनको अपने को सुमेलित करना है। जो बोरला है ये सिर के ऊपर बांधा जाता है। फिर है लटकन, ये नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। जंजीर ये कमर पे बांधी जाती है। तोड़िया ये पैर में बांधी जाती है। यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट सही होगा, ये बोरला जो बोल दो हेड एक बार, लटकन ये नाक में, जंजीर ये वेस्ट के अंदर पहनी जाती है और टोडिया ये फुट के अंदर। यहाँ फोर्थ स्टेटमेंट सही होगा। असर्शन और रीजनिंग है कि राजस्थान चित्र शैलियों के विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है, बिल्कुल सही है एक स्टेटमेंट। राजस्थान का सामाजिक धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। दोनों कथन आपस में तो इंडिविजुअली करेक्ट है लेकिन ए और आर है जो ए की करेक्ट व्याख्या नहीं करता, तो यहाँ पे थर्ड आंसर दे रखा है। ये तो भैया दिख ही नहीं रहा है तो क्या बताएं। सूर्यमल मिश्र इसका आंसर होगा, ऑथर ऑफ बुक, किसी किताब का ऑथर पूछा है, इसका आंसर सूर्यमल मिश्र होगा। फेमस टेंपल आबू के प्रसिद्ध वंश भास्कर के, इसमें 68 में वंश भास्कर के रचनाकार वो है सूर्यमल मिश्र। फिर एक आबू के प्रसिद्ध मंदिर विमल वसीया और तुण वसई हैं, उन मंदिर का नाम बताना है, वो है ये जैन मंदिर है। अगला है कि जयपुर के जंतर मंत्र को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, इसको विश्व धरोहर की सूची में 2010 में इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। अल्बर्ट हॉल इज द नेम ऑफ, ये अल्बर्ट हॉल किसका नाम है, ये एक म्यूजियम है जयपुर के अंदर, जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वैष्णव वॉज लीस्ट प्रिवेलेंट इन राजस्थान, तो वह चैतन्य। गोगा जी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ये गोगा जी का मेला गंगानगर की नोहर तहसील के गांव में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाद्यों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बताना है, रावण हत्ता ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगला सवाल है गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो वह है श्री राम जी को समर्पित है गलता तीर्थ प्रस्थित मंदिर।
फिर अगला सवाल, हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछा है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O। अगला सवाल है कि किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है MgOH2, जो पहले दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकली वाटर इज ए ऑक्साइड। दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है, उस वो मानक दूरी है 6 मीटर। 6 मीटर तक अपन आसानी से देख सकते हैं। डायनेमो का कार्य, फंक्शन ऑफ डायनेमो, डायनेमो का काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। CaCl2 ये किसका केमिकल है, ये एक प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग है, लेंसों का उपयोग किया जाता है। फिर है कि द गैस फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो कौन सी गैस भरी जाती है इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर, तो ये जो आर्गन और N2, ये सी जो थर्ड ऑप्शन है, सी या डी भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है या N2 नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला है कि अमाउंट ऑफ CSF इन ह्यूमन ब्रेन, CSF की कितना मात्रा होती है ह्यूमन ब्रेन, CSF होता क्या ये प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में, यदि आपको पता हो तो वो है 150 ml, इसका आंसर दे रखा है। अगला सवाल, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS, मरकरी सल्फेट, मरकरी होती है इसमें। फिर एक निम्नलिखित में से एक अनुवांशिक रोग है, हेरिडिटरी डिजीज़ बतानी है कि ये इनमें से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो वो है सिकल सेल एनीमिया, जो पहले दे रखी है। फिर है कि नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र, मेल जो चाइल्ड होगा उसके गुणसूत्र होंगे, उसके अंदर वाई क्रोमोसोम होना होता है। निम्न में से एक्रिय गैसों का समूह है, इनर्ट गैसेस का ग्रुप बताना है इनमें से कौन सा है, तो वह रेडॉन, हीलियम और आर्गन, ये इनर्ट गैस के या एक्रिय गैसों का समूह है। डॉट्स प्रोग्राम किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है, तो ये संबंधित है TB से, कैंसर से, अमिताभ बच्चन जिसका ऐड करते हैं, 6 रोग से संबंधित है। HCl के जलीय विलय का pH होगा, pH ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl का pH बताना है, सीधा सा यही है कि उसका pH 2 होता है। ह्यूमन क्रोमोसोम इज मेड ऑफ, ह्यूमन का क्रोमोसोम किससे बना होता है, ये डबल स्टैंडर्ड DNA से बना होता है, द्विसूत्री DNA से। फिर है कि निम्न में से सत्य कथन है, ये पूछा है कि वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मीडियम, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम, तो ये बताना है इसका कथन। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है कि बैंगनी जो कलर होता है, विब ग्योर YOR, तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और जो ये वॉयलेट कलर होता है इसकी जो वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। अगला सवाल है कि किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं। अगला है कि नेत्रपट जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, तो वो है दृष्टिपटल, रेटिना। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाला उपकरण है, AC to DC कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को नाम बोलते हैं, रेक्टिफायर कह दो AC को, वो DC में कन्वर्ट कर देता है, रेक्टिफायर। एसिड रेन इज कॉज बाय एसिड रेन, रेन का कारण क्या है, तो वो NO2 SO2, इनकी वजह से एसिड रेन होती है। टाइफाइड फीवर किसके द्वारा होता है, ये फीवर होता है सिलिमोनिया के द्वारा। फिर है कि धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, वो है आयरन, आयरन से खून बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर का नाम कौन है इनमें से, तो वो है शाकाहारी, जो हर्बीवोरस जिसको कहते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर है लवण के लिए सत्य कथन, जो नमक है उससे संबंधित कथन बताने हैं, कौन सा कथन सत्य है, तो पहला है कि यह एक आयोगिक यौगिक होता है, इट इज़ इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, बिल्कुल सही है, ये इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट, ये सॉल्ट होता है, तो ये तीनों कथन सही है।
मानव जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ह्यूमन जीनोम के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु, तो वो है सॉफ्ट आयरन, नम लोहा। मलेरिया का वाहक परपोषक वेक्टर, होस्ट ऑफ मलेरिया, वो है, इनमें से तो कोई नहीं गिवन है, वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, तो यहाँ पे वो दे नहीं रखा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। निम्न में पायस का उदाहरण है, इमल्शन का उदाहरण है, तो वह मिक्सिंग ऑफ ऑयल इन वाटर, तेल का जल में मिलना। पेंसिल का लेड बना होता है, जो पेंसिल की जो लीड बनी होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? तो उसमें उसने यूज़ किए थे 7 जोड़ों के। फिर आगे, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ये हंगर और थ्रस्ट सेंटर ब्रेन के किस पार्ट में पाए जाते हैं, ये बताना है। तो ये पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में, 4th इसका आंसर होगा। अगला है कि बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रामक लैंगिक संपर्क से होता है, बैक्टीरिया रियल इन्फेक्शन डिजीज विच इज कॉज बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो वो उनका बताना है। तो वो है अपदंश, जिसको सिफिलिसिस बोलते हैं, और ये सुजाक, जिसको गोनोरिया बोलते हैं। बी और सी यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है वो इसका सही आंसर हो गया। ह्यूमन आई के अंदर क्या कंटेन होता है? इसके अंदर होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं। अगला है कि मैग्नीशियम इज यूज्ड इन, ये यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम का यूज होता है। मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, तो लकवा कैसे हो सकता है? बाकी अत्यधिक ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना, ये सभी मलेरिया के लक्षण हैं, तो नहीं पूछा है, पहले से गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 112, इसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज वायर शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन द फेज वायर, हाँ बिल्कुल सही है कि जो फ्यूज वायर होता है वो फेज वायर में जुड़ा होता है। दूसरा कथन है कि फ्यूज वायर शुड बी मेड ऑफ मटेरियल विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, हाँ लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए फ्यूज वायर के मटेरियल का, यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। लाख क्या है? ये एक जंतु उत्पादन है, एनिमल प्रोडक्ट है, ये वैसे भी हटा दिया और दिख भी नहीं रहा। निम्न में से एक वास्तविक फल है, तो बनाना, एप्पल, पियर, इनमें से बताना है कि ट्रू फ्रूट किसको कहा गया है। तो एप्पल को, सॉरी बनाना को यहाँ पे ट्रू फ्रूट कहा गया है, केला। एपिस इंडिका इज, एपिक्स इंडिका एक क्या है? ये एक प्रकार का हनी भी है, मधुमक्खी का नाम है। किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं? तो वो अर्थवर्म जो होते हैं, ये इसको उनको बोलते हैं नेचुरल फैक्ट्री ऑफ मैन्युअर। फिर निम्न में से एक धातु नहीं है, तो वो है सल्फर, इज नॉट ए मेटल, मेटल नहीं है। एक मनुष्य में 44 प्लस एक्सो क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ये हैं एक टर्नर सिंड्रोम, तब इसके अंदर टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। मोती को प्राप्त किया जाता है, मोती को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये मुलस्का एनिमल से प्राप्त किया जाता है, मुलस्को एनिमल। एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत्य कथन है, एड्रिनल ग्रंथि के लिए असत्य कथन बताना है। इट इज कॉल्ड एज ए 4S ग्लैंड, ऊपर करेक्ट लिख रखा है, नीचे असत्य पूछा है, तो ये थोड़ा सा वैसे है कि इट इज कॉल्ड एज ए 4S ग्लैंड, तो ये देखें। फिर है कि निम्न में से एक पूर्ण फल है, कंप्लीट फ्रूट, वापस रिपीट हो गया लगभग, लेकिन ऑप्शन चेंज है। अब की बार गुआवा, पोटैटो, रेडिश और कैरेट दे रखा है, तो गुआवा इनमें से एक कंप्लीट फ्रूट है। जंग के लिए सही कथन है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रस्ट, जो जंग लगता है, तो इट इज ए फेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। इट अपेयर इन नॉन मेटल में कहाँ अपेयर होता है? मेटल में अपेयर होता है, हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल नहीं है, सिर्फ पहला कथन सही है। मानव मस्तिष्क की विशेषता क्या है, ये बताना है, तो ये है कि कॉर्पस कैल्शियम, ये मानव साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। रेशम के कीट का एक रोग, तो उस रोग का नाम है पेब्रिन। मच्छर के से फैलने वाला रोग
उन रोग का नाम बताना है, वो है मलेरिया और येलो फीवर। ये जो दो रोग हैं जो मच्छर के काटने से फैलते हैं, मलेरिया और येलो फीवर। थर्ड इसका आंसर हो गया। निम्न में से एक मिश्र धातु है, मेटल का अलॉय है, ये बताना है। मेटल का अलॉय है जर्मन सिल्वर। माता वृंदा तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्ण अंधा का रोग होता है? इफ़ मदर इज कलर ब्लाइंड एंड फादर इज नॉर्मल, हाउ मेनी सन विल बी कलर ब्लाइंड? अगर माता अंधी है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस, उसका कलर नहीं दिखता, कलरों में भेद नहीं कर सकता, और फादर नॉर्मल है, तो कितने परसेंट बच्चों में अगर होगा कलर ब्लाइंडनेस होने का चांसेस है? तो वह 100%। यदि माता के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है तो ये होगा कि उनके बच्चों में भी कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो फोर्थ यहाँ पे आंसर हो गया। लोहा निकल और क्रोमियम का मिश्रण कहलाता है, आयरन निकल और क्रोमियम, इसके अलॉयज को क्या कहते हैं अपन? इनके अलॉय को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं, नॉन फंक्शनल थर्ड आई, इनमें से किसको कहते हैं? तो पिनल जो होता है इसको अपन थर्ड आई भी कहते हैं। कैंथराइड को प्राप्त किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है ब्लिस्टर बीटल से। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के संबंध में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नॉन मेटल हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही सही है। DPT वैक्सीन इज यूज्ड, ये किसके लिए यूज़ की जाती है? तो ये यूज़ की जाती है टिटनस के लिए, वूफिंग कफ जो आते हैं उनके लिए, और डिप्थीरिया के लिए, इन तीन बीमारियों के लिए, टिटनस, वूफिंग कफ और डिप्थीरिया। तो यहाँ पे सेकंड इसका आंसर हो गया। धनुषपाय कुकुर खांसी और गलगोट बुखार के संबंध में, फिर ये क्वेश्चन हटा दिया है, बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित, इसका आंसर वैसे पिनल बॉडी आना था, तो ये वैसे होना था, ये हटा क्यों दिया है। 135, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, ट्रांसप्लांटेशन संभव है, नेत्र के कौन से पार्ट का, वो कॉर्निया का पार्ट का, इसका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है। विद्युत उपघटन का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सोलर एनर्जी इन बायोस्फेयर इज सनलाइट, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है बायोस्फेयर के अंदर, जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है। एनर्जी पिरामिड जो ये है, एनर्जी पिरामिड ये ऑलवेज हमेशा सीधा होता है, इस शेप में होता है, ट्राइंगुलर, हमेशा सीधा, राइट अपराइट ट्राइंगल कह दो। फिर एक निम्न में से एक प्लास्टिक नहीं है, इट इज़ नॉट ए प्लास्टिक, तो रबर, बाकी विनाइल, सेल्यूलॉइड और बैकलाइट, ये सभी प्लास्टिक है। निम्न में से एक को कॉस्टिक सोडा कहते हैं, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नाम पूछा है, सीधी सी बात, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन कास्टिक सोडा बोलते हैं। इमेज फॉर्म इन ह्यूमन आइज के अंदर कैसी इमेज फॉर्म होती है? तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है, मतलब वास्तविक तथा उल्टा चित्र, इन्वर्टेड उल्टा चित्र फॉर्म होता है ह्यूमन आइज के अंदर। शुष्क हिम कहलाती है, ड्राई आइस को हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस को हम ठोस सॉलिड CO2 कहते हैं। प्रूफ स्पिट क्या होती है? एक प्रकार की ये जो प्रूफ स्पिट होती है इथेनॉल होती है, 49.28% इथाइली एल्कोहल जो होती है उसको अपन प्रूफ स्पिट बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम स्लेक लाइन भी कहते हैं, बोझा चूना जिसको हिंदी में कहो, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा चूना। फिर एक करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार बैटरी, नॉर्मली इनकी बैटरी का जो वोल्टेज होता है 12 वोल्ट होता है, और इन इलेक्ट्रोलाइट मेड ऑफ आयरन, लीड और आयरन, आयरन का तो नहीं हो सकता, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है कि जनरली ये 12 वोल्ट की होती है। गर्भधारण परीक्षण के में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन से हार्मोन प्रेजेंट होने चाहिए यूरिन के अंदर? तो ये पूछा है इन्होंने, तो HCG इन हार्मोन से पता चलती है प्रेगनेंसी है या नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेकिंग सोडा। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इन मायोपिया डिस्टिंक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे बनता है, इसकी वजह से उनको दिख नहीं पाता। इन विच आई डिजीज पल्स लेंस आर यूज्ड, किस बीमारी के अंदर पल्स लेंस का यूज किया जाता है? तो वह दूरदृष्टि दोष में अपन पल्स लेंस का यूज़ करते हैं। फिर है कि हार्मोन प्रोवाइडिंग मेल करेक्टरिस्टिक, नर के लक्षण वाले हार्मोन, तो मेल्स में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? तो एंड्रोजन्स होते हैं,
ये जो एंड्रोजन्स होते हैं जो मेल में पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये फीमेल्स के हार्मोन्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे स्टेनोग्राफर कंपटीशन एग्जाम 2011 जिसको कंडक्ट करवाया था आरपीएससी ने। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड हू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।